दिया गया है पेज फॉर्मेटिंग। ये वही क्वेश्चन है जो इसमें हमने अभी पढ़ा था कि पैराग्राफ और पेज फॉर्मेटिंग को समझाइए। तो पैराग्राफ के बारे में अपन समझ चुके हैं, अब हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं पेज फॉर्मेटिंग के बारे में। ठीक है, तो पेज फॉर्मेटिंग, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के पेज को फॉर्मेट करने के लिए पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। देखो, पेज को फॉर्मेट करने का अर्थ हो गया कि पेज की क्या साइज है, पेज में कितना हमने लेफ्ट में मार्जिन दिया है, पेज में कितना हमने राइट में मार्जिन दिया है, पेपर की कितनी साइज अपन सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, पेज फॉर्मेटिंग कहलाती हैं। तो ये सारी पेज फॉर्मेटिंग एमएस वर्ड में कहाँ से होती है, तो इसके लिए पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, इस डायलॉग बॉक्स को फाइल मेन्यू के पेज सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करने पर यह डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। इसमें तीन टैब होते हैं, देखिए मार्जिन टैब है, पेपर टैब है और लेआउट टैब है। तो चलिए हम एमएस वर्ड में चलते हैं और पेज सेटअप को ओपन करके देखेंगे कि ये जो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स है, इनके इस ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। हमारे सामने पेज है, अब इस पेज को हमको प्रिंट निकालना है। उसके पहले पेज को हम क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। पेज को फॉर्मेट करने का मतलब ये हुआ कि पेज किस साइज का हम लें ताकि प्रिंटर में सही तरीके से प्रिंट आउट निकले, मार्जिन कितनी रखना है, पेज के ऊपर की मार्जिन, पेज में बॉटम में मार्जिन, ये सारी चीजें हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से करेंगे। इसी को बोलते हैं पेज फॉर्मेटिंग करना। इसके लिए एमएस वर्ड 2003 वर्जन में आपको मिलेगा ऑप्शन, फाइल में जाते हैं और उसके बाद पेज सेटअप में जाते हैं। ये देखिए पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर यहाँ पर आ गया है। इसमें आपको तीन टैब है, मार्जिन टैब है, पेपर टैब है और से लेआउट टैब है। चलिए इसको समझते हैं। मार्जिन टैब, पेज के ऊपरी भाग में टॉप मार्जिन का मतलब होता है ये खाली जगह। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर पेज के लेफ्ट में जो जगह छूटी हुई है इसको बोलेंगे लेफ्ट मार्जिन, पेज में यहाँ से यहाँ पर जो जगह छूटी हुई है इसको बोलेंगे राइट मार्जिन, पेज में यहाँ से ऊपर की तरफ जो जगह छूटी हुई है इसको बोलेंगे टॉप मार्जिन, ऐसे ही नीचे वाले मार्जिन को पेज के बोलेंगे बॉटम मार्जिन। तो ये वही मार्जिन है, टॉप में कितनी मार्जिन रखना है, मान लीजिए हमने सेट कर दिया 1 इंच कर देते ताकि हमको समझ में आए 1 इंच। हमने इसी प्रकार से बॉटम में भी कितना सेट कर दिया इसको 1 इंच। चलिए लेफ्ट में भी मान लीजिए हम कर देते हैं 1 इंच। ठीक है, इसको आप यहाँ से बटन से क्लिक करके कम ज्यादा कर सकते हो या डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। राइट में गए हम यहाँ पर, ये देखो है ना, तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये सभी जगह हमने 1-1 इंच की जगह छोड़ दी है और ओके बटन पर हम क्लिक कर रहे हैं। तो ये देखो मार्जिन आपकी यहाँ से यहाँ पर जो है 1 इंच हो गई है, फिर यहाँ से और यहाँ की जगह भी जो है 1 इंच छूट चुकी है, फिर यहाँ से और यहाँ की जगह भी 1 इंच छूट चुकी है। अगर आप नीचे आके देखेंगे पेज में तो ये पेज के बॉटम में भी 1 इंच की मार्जिन जो है वो छूटी हुई है। सेम यही चीज हर पेज में अप्लाई हो जाती है, ठीक है ना, सेम यही चीज हर पेज में अप्लाई हो जाती है। एक पेज में अप्लाई करेंगे तो सारे पेज में वैसा फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फिर से गए हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में, तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन को सेट करेंगे। इस मार्जिन को हम यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं, ये देखो ये हमने यहाँ पर ये कम कर दी मार्जिन, यहाँ से भी हम कम कर देते हैं इस पेज की मार्जिन, ये देखिए लेफ्ट राइट की कम कर दी, टॉप की भी कम कर दी और बॉटम की अभी 1 इंच हम मार्जिन रहने देते हैं। और जब हम पेज सेटअप पे जाएंगे देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया और बॉटम की 1 इंच ही है। तो या तो आप रूलर से करो आसानी से तेजी से, लेकिन हमको यहाँ पर जानकारी के लिए और परीक्षा में लिखने के लिए डायलॉग बॉक्स बनाना पड़ेगा और इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। अगला ऑप्शन देखते हैं गटर ऑप्शन। इससे हम क्या कर सकते हैं कि पेज में बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ते हैं। देखिए मार्जिन जो भी छूटी हुई है, जैसे लेफ्ट में 0.5 है तो यहाँ से यहाँ का स्पेस 0.5 हो गया, उसके बाद का जो स्पेस होगा वो कहलाएगा गटर मार्जिन। प्रीव्यू में भी देख सकते हो आप, ये देखो ओके कर दोगे आप तो ये जो है इसमें गटर मार्जिन भी जुड़ा हुआ है,
और लेफ्ट मार्जिन भी जुड़ा हुआ है। गटर मार्जिन दिया जाता है यदि आप बुक वगैरह छाप रहे हो तो उसमें आपको बाइंडिंग करनी पड़ेगी, तो बाइंडिंग के लिए भी है ना पिन वगैरह लगाने के लिए भी जगह छोड़नी पड़ेगी, उसे बोलेंगे हम क्या गटर मार्जिन, हम उसे बोलेंगे। पेज सेटअप में आप देख सकते हो ये गटर मार्जिन छूट गया। गटर की पोजीशन क्या रखना है, अभी गटर की पोजीशन क्या है, लेफ्ट में जगह छूट रही है, गटर को हमको टॉप में रखना है। तो अब ये डायरी की तरह है ना, आप प्रिंट निकालोगे और डायरी की तरह इसको बाइंड कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से हम टॉप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगला है इम्पोर्टेंट सबसे, आपको पेज किस प्रकार से टाइप करना है, ओरिएंटेशन। अगर आपका पोर्ट्रेट है तो इसका मतलब जो भी आप टाइप करने वाले हो तो वो आप कैसे प्रिंट निकलेगा, पोर्ट्रेट में प्रिंट निकलेगा, लंबाई में प्रिंट निकलेगा। देखिए इसको बताते हैं पोर्ट्रेट में किस प्रकार से निकलेगा। ये देखिए इस प्रकार से जो है लंबाई में आपको पूरा प्रिंट जो है दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर हम सिलेक्ट करते हैं पोर्ट्रेट, यदि हम लैंडस्केप सिलेक्ट करते हैं तो अब जो भी टाइप किया हुआ है वो इस प्रकार से आपको लैंडस्केप में दिखाई देगा, इस तरीके से पूरा टाइप हो करके जो है आएगा। तो ये कहलाता है जो है ओरिएंटेशन, है ना। तो जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा ओरिएंटेशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है पेजेस के अंतर्गत अगला ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है मल्टीपल पेजेस। इसका अर्थ होता है जब आपको कोई किताब छापना है, आप एक से ज्यादा पेज छापने वाले हैं, तो उस समय आप मल्टीपल पेज ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं मल्टीपल पेजेस ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नॉर्मल, है ना, यहाँ मान लीजिए अभी हम पोर्ट्रेट ही कर लेते हैं, नॉर्मल है। मिरर मार्जिन, मिरर मार्जिन तब हम सेलेक्ट करते हैं जब हमें पेज के आगे पीछे प्रिंट निकालना होता है। चलिए इसको फिर से हम बताते हैं, ये इस प्रकार से यदि हमें प्रिंट निकालना था तो इसको बनाने के लिए हमने मिरर मार्जिन का इस्तेमाल किया, और जब मिरर मार्जिन हमने दिया तो क्या होता है मिरर मार्जिन में, देखिए कि इस प्रकार से मार्जिन सेट होता है। ये देखिए इस प्रकार से मार्जिन सेट होता है। एक होता है आपका, जैसे हमने मिरर मार्जिन किया, आप देखेंगे मिरर मार्जिन में यहाँ देखिए डायलॉग बॉक्स में, इसमें नॉर्मल में लेफ्ट और राइट लिखता है, और जैसे ही मिरर मार्जिन करते हैं तो यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड कर देता है। इनसाइड का मतलब ये बोल रहा है अंदर की मार्जिन को, ये जो अंदर का स्पेस है इसके बारे में, और आउटसाइड मार्जिन को इसके बारे में बोला जा रहा है ना। तो इससे क्या होगा, जो भी इनसाइड की आप मार्जिन सेलेक्ट करोगे तो चूंकि पेज आप आगे पीछे इस प्रकार से टाइप कर रहे हो, ये देखो आगे पीछे आप इस प्रकार से टाइप कर रहे हो पेजेस को, है ना, तो क्या होगा उसमें कि ये अंदर का मार्जिन एक सा रहेगा और बाहर का मार्जिन एक सा रहेगा, है ना। कब ये अपन चुनते हैं ऐसा, जब हम यहाँ पर मिरर मार्जिन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वैसे ही हमारा इनसाइड और आउटसाइड में बदल जाएगा। अब जो भी आपको अंदर का मार्जिन रखना है किताब के, क्योंकि आगे पीछे प्रिंट हो रहा तो किताब जैसे बनेगा, और बाहर साइड का कितना मार्जिन रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मिरर मार्जिन था पहला ऑप्शन। टू पेजेस पर शीट, इसका अर्थ ये होता है कि जो भी आप टाइप कर रहे हो, अब यहाँ पर जो भी दो पेज में, जैसे पहले पेज में ये है और दूसरे पेज में जो भी रहेगा, आपके प्रिंटर में जब आप प्रिंट निकालोगे, ठीक है, जब आप प्रिंटर में प्रिंट निकालोगे तो दो पेज जो है वो एक शीट में प्रिंट होकर के, ठीक है, दो पेज जो है वो एक शीट में प्रिंट हो करके आएंगे। बुक फोल्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको बहुत सारे पेजेस को वही बुक की तरह प्रिंट निकालना होता है ना, और आप एक बुक के अंदर कितनी शीट रखना चाहते हैं, 40, 20, 30, इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर देते हैं, तो पूरा एक बुक फोल्ड की तरह वो प्रिंट जो है देते जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा, इसके बारे में हम आपको प्रैक्टिकली प्रिंट आउट निकाल के भी जो है अपने किसी वीडियोज में जरूर दिखाएंगे। तो पेज सेटअप के अंतर्गत मार्जिन ऑप्शन में हमने ये सारे ऑप्शंस के बारे में सीखा। अगला देखिए दिया गया है पेपर टैब। पेपर टैब के अंतर्गत यहाँ पर हम जो भी साइज प्रिंटर में लगा रहे हैं, जो भी हमारा प्रिंटर है उसमें हम जो भी साइज प्रिंटर में लगा रहे हैं उस साइज को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने सिलेक्ट कर दिया A4। ज्यादातर जो प्रचलित साइज है वो कौन सी है, A4, इसलिए हम यहाँ पर A4 सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमें और किसी साइज में प्रिंट निकालना है तो हम लेटर, यदि हमें किसी और साइज में प्रिंट निकालना है तो हम यहां से लेटर, लीगल और ये सारी चीजों को भी जो है प्रिंट आउट में निकाल सकते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ से हम पेपर की साइज सेलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। यहीं से आपको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट ऑप्शन में जाके आप प्रिंटिंग से संबंधित भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा टैब दिया गया है लेआउट टैब, है ना, लेआउट। Thank you.
Thank you.